गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सो दीज आर द ट्रीटमेंट्स ऑफ सम ऑफ़ द आइटम्स ऑफ द चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी आइटम कहाँ पे आ सकती है वैसे तो आपको पता ही है बट स्टिल मैं एक बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि गिवन नहीं होती बट आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हो क्वेश्चंस में जब वो आपको दिखती हैं तो इसलिए मैं अलग से आपको बता रही हूँ ये ठीक है सबसे पहले आ जाता है स्टॉक एट द कमेंसमेंट ठीक है स्टॉक एट कमेंसमेंट कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है स्टार्ट करना ठीक है तो स्टार्ट करने का मतलब क्या है ओपन करना यानी कि ओपनिंग स्टॉक है तो स्टॉक एट कमेंसमेंट का दूसरा नाम होता है ओपनिंग स्टॉक और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ओपनिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आता है ठीक है फर्स्ट वाला ये सेकेंड अकाउंट रिसिवेबल जैसे कि बिल्स रिसिवेबल आपका बैलेंस शीट की असेट साइड पर आता है सेम इसी तरीके से अकाउंट्स रिसिवेबल भी बैलेंस शीट की असेट साइड पर जाएगा थर्ड अकाउंट्स पेवेबल जैसे कि बिल्स पेवेबल आपकी बैलेंस शीट की लाइबलिटी साइड पर जाता है उसी तरीके से अकाउंट्स पेवेबल भी आपकी बैलेंस शीट की लाइबलिटी साइड पर जाएगा हॉर्सेज एंड कार्ड्स देखो ये जो हॉर्से एंड कार्ड्स होते हैं ना ये आपके आते हैं लाइव स्टॉक में ठीक है तो लाइव स्टॉक में आते हैं ये आपके तो ये कहाँ जाएंगे बैलेंस शीट की साइड पर क्योंकि मैंने आपको बोला था असेट्स में आप वो चीज़ें लिखते हो जो आपकी खुद की है फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने अपने घर पर गाय रख रखी है या किसी ने अपने घर में भैंस रख रखी है या द फैलो या कुछ लोग अपने घरों में जो जितने भी लोग रेवाड़ी में रहते हैं उनको पता होगा ये बात कि अगर आपने गोल चक्कर वाला एरिया देखा है तो यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने घोड़े रख रखे हैं है ना वो उनके खुद के घोड़े हैं यानी कि हॉर्सेज हैं वो उनकी खुद की असेट है ना तो बैलेंस शीट की असेट साइड पर जाएगा क्योंकि वो उनके घोड़े हैं या उनके बफेलोज हैं या उनकी काउज हैं तो वो आपके लाइव स्टॉक में जाएगा बैलेंस शीट की असेट साइड पर नेक्स्ट आ जा जाता है फिफ्थ पॉइंट लाइफ इंश्योरेंस या इनकम टैक्स तो अगर आपको क्वेश्चन में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिखे दिखे या इनकम टैक्स दिखे तो ये दोनों ही चीजें आपकी ड्रॉइंग्स में कंसिडर होती हैं और आपको पता है ड्राॅइंग्स का ट्रीटमेंट क्या होता है तो देख लेते हैं जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो कैपिटल में ड्रॉइंग लेस होती है ठीक है और आपको पता है कि अभी अभी मैंने आपको बताया अगर क्वेश्चन में इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम गिवन है तो ये भी ड्राॅइंग है तो अगर ये ड्राॅइंग है तो ड्राॅइंग जैसे लेस हो रही है तो इनका ट्रीटमेंट क्या होगा इनकम टैक्स भी लेस होगा क्योंकि ड्रॉइंग लेस होती है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी लेस होगा क्योंकि ड्रॉइंग लेस होती है क्योंकि अल्टीमेटली ये है तो ड्राॅइंग्स ही ना ठीक है तो कैपिटल में से लेस करना है माइनस करना है ड्रॉइंग से इनकम टैक्स से लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नेक्स्ट आ जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट कहां पर जाएगा तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपका जाएगा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर क्योंकि बैंक ओवर ड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी होती है हमारी ठीक है तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर आएगा ये सेवेंथ पॉइंट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दे रखी हो या प्रोमाइसिस या बिजनेस प्रोमाइसिस या लीज होल्ड प्रॉपर्टी तो ये सारी की सारी चीजें हमारी खुद की असेट होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं हमारी ठीक है प्रॉपर्टी है हमारी खुद की प्रॉपर्टी है तो वो बैलेंस शीट की असेट साइड पर जाएगी ठीक है नेक्स्ट आ जाता है आपका एट दैट इज कैरेज ऑन गुड्स परचेज तो कैर कैरेज ऑन गुड्स परचेज में कैरेज ऑन गुड्स परचेज को हम लोग क्या बोलते हैं कैरेज इन बोलते हैं ठीक है इनवोर्ड तो इनवोर्ड कहां जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर कैरेज इनवर्ड या कैरेज ऑन गुड्स परचेज ध्यान में रखिएगा कैरेज ऑन गुड्स परचेज कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड आ जाए या कैरेज आउटवर्ड आ जाए प्लीज नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि नाम ऐसे आ जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो तो कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड आ जाएगा तो आप पी एंड एल के डेबिट साइड पे लिखोगे और अगर खाली कैरेज लिखा हुआ आया है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर नेक्स्ट आ जा जाता है लाइटिंग टेंथ आपका लाइटिंग के अंदर केस ये है कि अगर खाली लाइटिंग लिखा हुआ है तो तो वो पी एल के डेबिट साइड पर जाएगा अगर फैक्ट्री लाइटिंग गिवन है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा क्योंकि फैक्ट्री लिखा हुआ है और अगर ऑफिस लाइटिंग लिखा हुआ है तो आपका पी एंड एल की डेबिट साइड पर आएगा ठीक है मेक श्योर कर लेना इस चीज को खाली लाइटिंग पी पी एंड एंड एल एल डेबिट 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 साइड 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 फैक्ट्री लाइटिंग लाइटिंग ट्रेडिंग ऑफिस नेक्स्ट आ जाता है अगर खाली फ्रेट लिखा हो या फ्रेट इनवर्ड लिखा हो तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर जाएगा ठीक है और अगर फ्रेट आउटवर्ड लिखा हो तो वो पी एंड एल के डेबिट साइड पर जाएगा ठीक है नेक्स्ट है अगर क्वेश्चन में ट्वेल्थ पॉइंट है ये अगर क्वेश्चन में ट्रेड एक्सपेंसेस गिवन है तो वो पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड पे जाएगा क्योंकि खर्चे तो डेबिट साइड पे ही रिकॉर्ड होते हैं और अगर क्वेश्चन में इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंसेस गिवन है तो भी वो डेबिट साइड पर जाएंगे डेबिट पी एंड एल अकाउंट में ही जाएंगे डेबिट साइड पर तो ट्रेड एक्सपेंसेस आ जाए या इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंसेस आ जाए दोनों ही पी एंड एल के डेबिट साइड पर जाएंगे नेक्स्ट आ जा जाता है रेंट रेंट के केसेस में अगर लिखा हुआ रेंट खाली या ऑफिस रेंट ठीक है तो ये पी एंड एल के डेबिट साइड पे जाएंगे लेकिन अगर रेंट के आगे फैक्ट्री लिखा हुआ है तो वो ट्रेडिंग के अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगा जैसे सेम एज़ विद लाइटिंग में था कि अगर लाइटिंग और ऑफिस लाइटिंग है तो वो पी एंड एल के डेबिट साइड पर आई थी और अगर फैक्ट्री लाइटिंग है तो वो ट्रेडिंग के डेबिट साइड पर आई थी यहाँ पे भी यही है अगर खाली रेंट या ऑफिस रेंट है तो वो पी एंड एल में ही जाएगा जैसे अगर खाली लाइटिंग और ऑफिस लाइटिंग आती है तो वो पी एल के डेबिट साइड पर जाती है लेकिन अगर फैक्ट्री रेंट आता है या फैक्ट्री लाइटिंग आती है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होएगी नेक्स्ट आ जाता है अगर क्वेश्चन में फोर्टीन पॉइंट है अगर क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आ जाए या प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस आ जाए तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा लेकिन अगर क्वेश्चन में दे रखा है अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस या नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस तो वो पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा खर्चा है तो आएगा तो डेबिट साइड पर लेकिन ट्रेडिंग में आना है पी एंड एल में दैट डिपेंड्स प्रोडक्टिव आ जाए तो डेबिट नॉन प्रोडक्टिव या अनप्रोडक्टिव आ जाए तो पी एंड एल नेक्स्ट आ जाता है फिफ्टींथ uh, यहां पे बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं कि उनको समझ नहीं आता ये मैंने जानबूझ के आगे आपके आगे डेटर्स और क्रेडिटर्स मेंशन किया है क्वेश्चन में आपकी क्वेश्चन uh, में सिर्फ ये लिखा हुआ आता है कस्टमर अकाउंट सप्लायर अकाउंट और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये है क्या और गलत कराते हैं इसलिए मैंने इनका अलग से नाम आपको बता दिया है तो कस्टमर्स जो अकाउंट होते हैं वो हमारे डेटर्स एक तरीके से अकाउंट होते हैं और जो सप्लायर्स होते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं तो जब भी कस्टमर अकाउंट आपको दिखे तो वो डेटर अकाउंट का ही ट्रीटमेंट करना है क्योंकि इसका दूसरा नेम वो होता है तो डेटर कहाँ पे आता है बैलेंस शीट की असेट साइड पर तो कस्टमर अकाउंट कहाँ आएगा बैलेंस शीट की असेट साइड पर नेक्स्ट आ जाता है आपका सप्लायर अकाउंट अगर आ जाए तो मतलब वो क्रेडिटर अकाउंट है तो वो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर जाएगा ठीक है तो कस्टमर अकाउंट आ जाए तो बैलेंस शीट की असेट साइड पर सप्लायर आ जाए तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर नेक्स्ट आ जा जाता है अगर सेवनटीन्थ पॉइंट अगर कमीशन ऑन परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर जाएगा कमीशन ऑन परचेज ठीक है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर लेकिन अगर कमीशन ऑन सेल दे रखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आ जाएगा ठीक है अगर कमीशन डेबिट हो तो वो डेबिट ही होगा अगर क्रेडिट दे रखा है अगर आपको क्वेश्चन में तो क्रेडिट ही होगा नेक्स्ट दे रखा होता है आपको डिस्काउंट ऑन परचेज ठीक है डिस्काउंट ऑन परचेज से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इसका ट्रीटमेंट होगा इसलिए अलग से मैंने मैंने इसका नाम भी मैंशन कर दिया है नीचे देखिए इट इज़ ए कैश डिस्काउंट एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव्ड ठीक है तो डिस्काउंट रिसीव से आपको पता लग जाएगा अब पहली बात तो रिसीव है रिसीव आते ही इनकम आ जाता है हमारे पास हमारे माइंड में है ना कि रिसीव है तो मतलब क्रेडिट साइड पे ही जाएगा लेकिन कौन से अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ठीक है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे जाएगा आपका डिस्काउंट ऑन परचेज लेकिन अगर डिस्काउंट ऑन सेल है खाली ये लिखा होता है आपके आपके क्वेश्चन में डिस्काउंट ऑन सेल लेकिन आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि इसका क्या ट्रीटमेंट करना है इसलिए मैंने इसका अलग से नाम भी लिख दिया है डिस्काउंट अलाउड ठीक है आपने अगर जर्नल एंट्री वाला चैप्टर पढ़ा है तो उसके अंदर आप ये जज कर सकते हो कि डिस्काउंट ऑन परचेज आपका डिस्काउंट रिसीव होता है तो पी एंड एल के क्रेडिट साइड पर जाएगा क्योंकि इनकम है हमारी और अगर आप सेल पर डिस्काउंट देते हो तो यानी कि सामने वाले को तो आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो तो डिस्काउंट अलाउड हमारा डेबिट साइड पर जाता था जर्नल एंट्री में भी तो डिस्काउंट अलाउड हमारा डेबिट साइड पर जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तो डिस्काउंट ऑन परचेज आ जाए तो पी एंड एल के क्रेडिट साइड डिस्काउंट ऑन सेल आ जाए तो पी एंड एल के डेबिट साइड ट्वेंटी फर्स्ट अगर आपको क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दे रखी है तो वो जाएगी बैलेंस शीट की असेट साइड पर ठीक है लेकिन अगर आपको बोल रखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया पैसा और उसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है आपकी इनकम है ना तो इनकम कहाँ जाती है पी एंड एल के क्रेडिट साइड पे जाती है नॉमिनल अकाउंट के थ्रू नेक्स्ट आ जाता है अगर क्वेश्चन में आपको लोन गिवन है तो तो वो जाएगा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर तो वो कहा जाएगा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आ जाए फॉर एग्जांपल आपने किसी बैंक से लोन लिया और उसके बदले में आपको उसका ब्याज पे करना पड़ रहा है खर्चा है ना आपका तो नॉमिनल अकाउंट के थ्रू खर्चे कहाँ जाते हैं डेबिट साइड पर तो लोन आपका बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन आपका पी एंड एल की डेबिट साइड पर आएगा ठीक है नेक्स्ट आ जाता है अगर क्वेश्चन में आपको गुडविल ट्रेडमार्क कॉपी राइट या पेटेंट दिखाई दे जाए ये सारी की सारी आपकी इंटेंजिबल असेट्स हैं और क्योंकि ये हमारी असेट है तो वो बैलेंस शीट की असेट साइड पर जाएंगी ठीक है नेक्स्ट आ जाता है आपका ट्वेंटी फोर्थ अगर क्वेश्चन में आपका एस्टेब्लिशमेंट uh, एक्सपेंसिस दे रखा है तो वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा नेक्स्ट है ट्वेंटी फिफ्थ अगर आपको क्वेश्चन में बैंक का बैलेंस दे रखा है तो बैलेंस शीट की साइड पर बैंक चार्जेस दे रखे हैं तो पी एंड एल के डेबिट साइड पर क्योंकि बैंक चार्जेस हमारे वो खर्चे होते हैं जो कि बैंक हमारे बैंक अकाउंट से काट लेता है यानी कि काटता है इसका मतलब क्या है कि पी एंड एल के डेबिट साइड पर आएगा तो ध्यान रखिएगा बैंक का बैलेंस आ जाए तो बैलेंस शीट की असेट साइड पर आएगा अगर बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाए आई रिपीट अगर बैंक ओवर ड्राफ्ट आ जाए तो वो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर जाएगा लेकिन अगर बैंक चार्जेस आ जाए तो वो पी एंड एल के डेबिट साइड पे आएंगे ठीक है देन नेक्स्ट आ जाता है आपका सबसे लास्ट पॉइंट ट्वेंटी सिक्स का दो पार्ट है इन केस अगर क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको पता बहुत सारी आइटम्स गिवन होती हैं क्वेश्चन में है ना जैसे अगर आपने कोई भी क्वेश्चन दे रखा होता है तो क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा होता है और उस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालना होता है है ना तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में जैसे और आइटम्स दे रखी होती हैं लाइटिंग इलेक्ट्रिसिटी वेजेस सैलरी रेंट कमीशन बहुत सारी आइटम्स आपको दे रखी होती हैं उसी तरीके से इनकेस अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया कि ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है है ना तो ऐसे केस में अगर आपको बैलेंस के अंदर दिखे यानी कि क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको क्लोजिंग स्टॉक अगर गिवन है तो आप उसकी एक ही जगह पे एंट्री करोगे एक ही जगह पे उसको शो करोगे अब बात ये उसको शो कहाँ पे करोगे क्योंकि या तो ट्रेडिंग एंड पी एंड एल में पहला ऑप्शन या दो दू दूसरा ऑप्शन है बैलेंस शीट ठीक है तो अगर आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है अंदर की साइड है तो आप एक ही जगह पे उसको रिकॉर्ड करोगे दैट इज अ साइड ऑफ द बैलेंस शीट कहां पे रिकॉर्ड करोगे असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ठीक है यहां पर ठीक है तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया एक रैंडमली खुद से ही कि ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक आपका गिवन है तो यहाँ पे देखो ट्रेडिंग एंड पी एंडल में मैंने कुछ भी शो नहीं किया खाली छोड़ दिया इसको मैंने यहाँ पे लिखा भी है नो ट्रीटमेंट इन द ट्रेडिंग एंड पी एंड एल तो फिर ट्रीटमेंट कहाँ होगा बैलेंस शीट में बैलेंस शीट की भी कौन सी साइड पर असेट साइड पर यहाँ पर असेट साइड पर उसको आप रिकॉर्ड करेंगे ठीक है तो बैलेंस शीट की असेट साइड पर क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक को आप शो करेंगे ठीक है ध्यान में रखिएगा इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आने को है ये कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है उसको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट की असेट साइड पे दिखाना है एक ही जगह पे क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो इसका मतलब क्या है इसका ऑलरेडी ट्रीटमेंट हो चुका है तो उसको बार बार नहीं दिखाना है एक ही जगह पे दिखाना पड़ेगा नेक्स्ट है आपका सेकंड केस अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं गिवन जैसे ही ट्रायल बैलेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा उस डब्बे के बाहर आपको गिवन है उस डब्बे के खत्म होने पर आपको गिवन है क्लोजिंग स्टॉक तो ऐसे केस में जब भी आपको आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस कोई भी चीज गिवन होती है तो इसका मतलब है उसका अभी एडजस्टमेंट रह गया है उसका एडजस्टमेंट अभी करना पड़ेगा तो जब उसका एडजस्टमेंट ऑलरेडी रह गया है तो उसका तो दो ही जगह पे शो होगा ट्रेडिंग एंड पी एंड एल में और एक सॉरी uh, ट्रेडिंग अकाउंट में और एक आपका बैलेंस शीट में ठीक है तो इसको अगर आपको आउटसाइड गिवन है तो दो जगहों पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे एक आपका ट्रेडिंग अकाउंट अकाउंट के डेबिट साइड पर और एक आपकी बैलेंस शीट की असेट साइड पर ठीक है आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे बैलेंस शीट की असेट साइड पर दिखाएंगे ठीक है एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे देखो रैंडमली ले लिया आपको अगर आपने देखा होगा ये देखो पूरा ट्रायल बैलेंस मैंने खाली छोड़ दिया लेकिन ट्रायल बैलेंस के खत्म होने के बाद मैंने लिखा है द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक यानी कि ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस ये देखिए ट्रायल बैलेंस खाली है उसके बाहर गिवन है है ना तो मैंने यहाँ पे मैंशन भी किया है ताकि आप लोगों को थोड़ा फिजिबल हो जाए आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है ना तो ऐसे केस में देखो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा मैंने अभी अभी आपको बताया इसका दो प्लेसेस पे इसको शो करेंगे एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर और एक बैलेंस शीट की असेट साइड पर है ना देख लेते हैं अब ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट की ये देखो क्रेडिट साइड पर यहाँ पर मैंने शो किया है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर यही बोला था आपको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आप शो करोगे बाय क्लोजिंग स्टॉक ट्वेंटी थाउजेंड है ना और एक मैंने शो किया था बैलेंस शीट की असेट साइड पर तो यहाँ पे देखिए ये मैंने बैलेंस शीट बना रखी है तो बैलेंस शीट की असेट साइड पर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर शो करेंगे ठीक है ये दो ट्रीटमेंट है तो प्लीज ध्यान रखिएगा पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वाला पार्ट आएगा ही आएगा क्लोजिंग स्टॉक आपको खुद को देखना पड़ेगा कोई आपको बताएगा नहीं अलग से कि ये करना है खुद से आपको वेल प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि खुद से देखना पड़ेगा ये चीज़ कि अगर क्लोजिंग स्टॉक अंदर गिवन है ट्रायल बैलेंस तो की तो बैलेंस शीट की असेट साइड पर ओनली और अगर बैलेंस अगर आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर और बैलेंस शीट की असेट साइड पर आप रिकॉर्ड करोगे मैंने कहा था दो प्लेसेस पे दिखाएंगे ये दो प्लेसेस हो गए देखो मैंने बोला था ना दो प्लेसेस पे दिखाएंगे देखिए टू प्लेसेस तो वो टू प्लेसेस ये हैं ट्रेडिंग के क्रेडिट uh, साइड पे बैलेंस शीट की असेट साइड पर क्लियर ये दो प्लेसेस हो गए आपकी यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है ठीक है ये जितनी भी नेसेसरी एडजस्टमेंट्स हैं मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं इसके बाद आई आई एल गिव यू सम क्वेश्चन जो कि आपको करने हैं लेकिन वो क्वेश्चन तब तक नहीं हो पाएंगे जब तक आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से लर्न नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इनको आप लर्न कीजिएगा ये जो नोट्स मैंने आपको ट्वेंटी सिक्स के ट्वेंटी सिक्स दिए हैं आपको पता होनी चाहिए एक एक चीज़ जो कि आपकी ट्रेडिंग में आती है या पी एंड एल में आती है या बैलेंस शीट में आती है अगर आपको इन सब का पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आती है आप तभी उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे ठीक है चलो तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं